और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दसवीं की गणित की परीक्षा अब दोबारा नहीं की जाएगी। पहले भी सीबीएसई ने इस बात का खंडन किया था, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि जल्द ही दसवीं के गणित का पेपर भी दोबारा से किया जाएगा अप्रैल में, लेकिन अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सीबीएसई गणित की परीक्षा दोबारा नहीं करवाएगा। संजय शर्मा जुड़ गए और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। संजय, दसवीं के जो बच्चे हैं गणित की परीक्षा दोबारा नहीं देंगे, उनको थोड़ी राहत मिली है? बिल्कुल कंचन, सीबीएसई ने पूरी जांच के बाद में निर्णय लिया कि दसवीं बोर्ड का जो गणित का पेपर लीक हुआ था, जिसके लिए दिल्ली और एनसीआर के लिए दोबारा परीक्षा के बारे में विचार किया जा रहा था, लेकिन अब सीबीएसई ने निर्णय लिया है पूरी तरह से जांच करने के बाद कि अब दोबारा परीक्षा नहीं की जाएगी, गणित का पेपर दोबारा नहीं होगा, यानी कि दसवीं के बच्चों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब वो अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो सकते हैं, उनको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंचन, सीबीएसई ने पूरी तरह से फैसला ले लिया। कंचन जी, संजय, तो ये बड़ी खबर बताई जा रही है संजय के द्वारा, कि संजय बता रहे हैं मेरे सहयोगी कि सीबीएसई ने खुद इस बात की पुष्टि करी कि गणित की जो परीक्षा है वो दोबारा से नहीं की जाएगी। दसवीं के बच्चे जो हैं अब वो राहत की सांस लेने के लिए सोचेंगे जरूर, क्योंकि बात जो सामने आ रही थी, सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही थी कि दसवीं की गणित की जो परीक्षा है वो भी दोबारा से की जाएगी, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, लेकिन अब इस बात की पुष्टि खुद सीबीएसई ने की है कि गणित की परीक्षा जो है दोबारा नहीं होगी। हालांकि आपको बताएं कि बारहवीं की इकोनॉमिक्स की परीक्षा अप्रैल महीने में होने वाली है, लेकिन दसवीं की गणित की परीक्षा नहीं होगी। संजय, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।